यहाँ पे कुछ मत सोचो, कर्म पे ध्यान लगाओ तुम। पाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के 9 मिनट में भागवत गीता के 18 अध्यायों को रैप के माध्यम से दुनिया तक पहुंचा रहे हैं एबी वायरल। एबी का नाम अविनाश है, गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अविनाश पिछले 4 सालों से रैप कर रहे हैं और बीते 2 साल से अर्जुन और श्री कृष्ण की गाथा रैप के माध्यम से दुनिया को समझाते और बताते आ रहे हैं। एबी वायरल ने एक अलग प्रकार का रैप किया है, जिसमें वह गीता के सार को रैपिंग के माध्यम से अपने शब्दों में पिरोकर दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। जहां आजकल रैप लड़कियों के कपड़ों, गन कलर या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लिखा जाता है और खूब पसंद भी किया जाता है, वहीं अभी ने भीड़ से अलग जाकर अपनी संस्कृति पर रैप लिखा है। गीता में जीवन का सार है, मगर हर कोई गीता नहीं पढ़ पाता या उनके पास समय नहीं होता है। उन लोगों के लिए एबी ने ये रैप बनाया है जो भागवत गीता से इंस्पायरिंग है। एबी ने संस्कृति और हिप हॉप का फ्यूजन बनाकर इस रैप को दुनिया के सामने रखा है। एबी का कहना है कि रैप की शुरुआत अफ्रीका से हुई, वहां के लोगों ने अपने देश की बात और परेशानियों को रैपिंग के माध्यम से कहना शुरू किया। एबी ने कैसे शुरू किया भागवत गीता रैप, सुने। वाले नहीं मारने वाले हो, ना जीत तुम्हारे हाथों, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना चलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है वह मर कर। एबी मात्र 28 साल के हैं और बीते 4 सालों से रैप कर रहे हैं। उन्होंने भागवत गीता के 18 अध्याय पर रैप लिखने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगाया और अब वह 9 मिनट में पूरी भागवत गीता का रैप सुना देते हैं। टोलेगा विकराल काल, मुंह खोलेगा दुर्योधन, रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा।